हेलो एवरीवन, वेलकम टू करण सच सेवा। सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। सो हमें इसमें बताना भी है कि क्या हमारे जो क्वेश्चन गिवन है वो ट्रू है या फॉल्स, और आंसर्स को जस्टिफाई भी करना है। सो फर्स्ट इज एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। हमने पढ़ा था रियल नंबर के अंडर रैशनल नंबर आते हैं और इरेशनल नंबर आते हैं। अब हमें कहा कि हर एक इरेशनल नंबर विल बी अ रियल नंबर। यस, दिस इज ट्रू, क्योंकि रियल नंबर या तो रैशनल नंबर होगा या इरेशनल। इट मींस सारे रैशनल नंबर भी रियल नंबर होंगे और सारे इरेशनल नंबर भी रियल नंबर होंगे। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म स्क्वायर रूट ऑफ एम, वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं, वन से स्टार्ट होते हैं, सो नंबर लाइन पे तो जीरो भी आता है, तो सबसे पहले तो यही फॉल्स हो गया। अगर मैंने लिखा 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पे रैशनल नंबर है 4/3, क्या मैं इसको स्क्वायर रूट ऑफ एम की फॉर्म में लिख सकती हूँ? आई कैन राइट इट लाइक दिस, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, 2 इज अ नेचुरल नंबर, बट स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। अगर मैं लिखूं 4 को स्क्वायर रूट ऑफ 4 की फॉर्म में लिखूं तो 2, 2 इज 2/1 व्हिच इज अ रैशनल नंबर, एंड 2 एंड 1 बोथ आर नेचुरल नंबर, 4 इज अ नेचुरल नंबर, सो दिस इज फॉल्स। अगर मेरे पास इस टाइप की रैशनल नंबर है, 4 एंड 3 बोथ आर नेचुरल नंबर, बट अगर मैं इसको स्क्वायर रूट के अंडर लिखती हूँ तो ये मेरे पास आंसर नेचुरल नंबर नहीं आता। सो एवरी पॉइंट जो है वो स्क्वायर रूट एम की फॉर्म में नंबर लाइन पे नहीं है। एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। हर एक रैशनल नंबर, हर एक इरेशनल नंबर तो रियल नंबर होगा, लेकिन हर एक रियल नंबर इरेशनल नहीं होगा। हर एक रियल नंबर या तो रैशनल होगा या इरेशनल होगा। ठीक है, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट वन। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, चलो पहले स्क्वायर रूट लिख लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स के, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, आर इरेशनल। 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, अगर मैं अगला देखूं 9 का होता है 3, ठीक है, 16 का होता है 4, 25 का होता है 5। अगर स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर है तो नंबर होगा रैशनल, और अगर स्क्वायर रूट के अंदर इम्परफेक्ट स्क्वायर है तो नंबर होगा इरेशनल। अब मुझे कहा है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, नो। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट देखूं, आई कैन राइट 3 as 3/1, 4 as 4/1, 5 as 5/1, दीज ऑल आर रैशनल नंबर्स। अगर स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर है सो आंसर इज रैशनल नंबर, और अगर इम्परफेक्ट स्क्वायर है देन आंसर इज इरेशनल नंबर। सो इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर, सो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल, स्क्वायर रूट ऑफ 1, स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 16, स्क्वायर रूट ऑफ 25 एंड सो ऑन। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स कि जो कि रैशनल नंबर होंगे। तो कैसे आपको पता लगेगा, अगर स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो आंसर विल बी रैशनल नंबर, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आंसर विल बी इरेशनल नंबर। नेक्स्ट वन, शो दैट स्क्वायर रूट ऑफ 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। स्क्वायर रूट ऑफ 5 को रिप्रेजेंट करने से पहले मैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 3 का आपको सिखाऊंगी कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 2, मैं पाइथागोरस थ्योरम की अगर बात करूं, पाइथागोरस थ्योरम कब अप्लाई होती है? जब राइट एंगल होता है, राइट? सो दिस इज हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इज स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आई कैन राइट 2 as 1 + 1, 1 1 का ही स्क्वायर होता है। तो अगर मुझे नंबर लाइन पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 को रिप्रेजेंट करना है, 0, 1, 2 एंड सो ऑन मैंने नंबर लाइन पे बना दिए। एक मैं आपको एडवाइस करना चाहूंगी यहाँ पे कि जब आप नंबर लाइन पे रैशनल नंबर्स को बनाओ तो 0 और 1 के बीच में जो आपने डिस्टेंस लिया है थोड़ा सा बड़ा डिस्टेंस लो, ताकि जब आप कंस्ट्रक्शन करो
तो बिल्कुल क्लियर टीचर को भी चेक करने वाले को पता लग सके कि आपने कहाँ पे क्या बनाया है। ऐसा नहीं कि आप 1-1 सेंटीमीटर का गैप ले रहे हो और फिर जब पूरा बन गया तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या कंस्ट्रक्ट किया है। सो मान लो मैंने 0 से 1 में 5 सेंटीमीटर का गैप लिया है, दिस इज 1 यूनिट, राइट। जितना गैप 0 से 1 में होगा उतना ही 1 to 2 में होगा, एंड सो ऑन। गैप चेंज नहीं कर देना कि 0 to 1 में तो आपने 5 सेंटीमीटर लिया, फिर 2 में 2 सेंटीमीटर ले लिया, नो दिस विल बी रॉन्ग। सो आपको डिस्टेंस सेम रखना है। नेक्स्ट इज, अब पाइथागोरस लगनी है तो परपेंडिकुलर चाहिए। 1 पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। परपेंडिकुलर आप विद द हेल्प ऑफ कंपस 90 डिग्री एंगल बना सकते हो, नहीं तो विद द हेल्प ऑफ रूलर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। लेट दिस पॉइंट एज ए, तो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इसका साइन लगाया। नाउ 1 यूनिट ये हो गया, अब मुझे दूसरी साइड भी कितनी चाहिए, 1 यूनिट। सो जितना डिस्टेंस आपने जहां लिया है 0 से लेके ए तक, उसको मेजर करो, ए पे रख के विद हेल्प ऑफ कंपस आर्क लगा दो, इट विल बी 1 यूनिट। अगर आपके पास कंपस नहीं है तो क्या कर सकते हो, 0 से ए में मान लो आपने 5 सेंटीमीटर लिया, तो ए से बी भी 5 सेंटीमीटर ही लूंगी। यहां तक क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ओ को बी से ज्वाइन कर दो, ये डिस्टेंस 1 यूनिट, ये डिस्टेंस 1 यूनिट, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2। पुट करके देखो, परपेंडिकुलर इज 1, योर बेस इज 1, सो 1 + 1 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2, सो हाइपोटेन्यूज विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब नेक्स्ट स्टेप, मुझे तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कंपस ओबी को मेजर करो, ओ पे जो नीडल वाला पॉइंट है कंपस का वो रखो, बी पे पेंसिल वाला, ओ पे रख के आपने इतनी कंपस ओपन की, ओ से ही जितनी कंपस ओपन है जब बी तक मेजर किया तो ऐसे इसको नीचे की तरफ आपको ले जाओ, दिस पॉइंट विल बी पी, इट विल रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू होती है 1.414, एंड सो ऑन चलती जाती है आगे वैल्यू। सो 1.4, तो 1 और 2 के बीच में ही आएगा 1.4 नंबर लाइन पे, सो पी इज स्क्वायर रूट ऑफ 2। मैं एक बार दोबारा से बता रही हूँ, 2 को कैसे लिख सकते हो, 1 + 1, 1 1 का ही स्क्वायर होता है। नंबर लाइन पे ओ देन 1 2, आपने डिस्टेंस लिया, जितना भी आप स्केल की हेल्प से डिस्टेंस लेना चाहते हो ले सकते हो, थोड़ा सा बड़ा लो ताकि जब बनाओ तो पिक्चर आपकी क्लियर हो कि कहाँ पे कौन सा पॉइंट आपने लोकेट किया है। सो ए 1 को हमने पॉइंट दे दिया ए, ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो विद द हेल्प ऑफ कंपस, आप 90 डिग्री ड्रॉ कर सकते हो, और विद द हेल्प ऑफ रूलर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, 90 का एंगल जरूर शो करो कि आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। यहाँ पे भी 1 यूनिट डिस्टेंस है क्योंकि दोनों साइड मेरे पास 1 1 है, तो आप जितना डिस्टेंस ये है 0 से लेके 1 में उतना ही ए से बी भी डिस्टेंस होगा, ओ से बी को ज्वाइन करो, इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओ बी जितनी कंपस ओपन करो, ओ पॉइंट पे रखा, मान लो आपने ऐसे मेजर किया, ऐसे ही इस आर्क को नीचे की तरफ ले आओ, और जब ये नंबर लाइन को क्रॉस करेगी आप उस पे नाम दो पी, एंड इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2। एक और इसके बाद सिखाती हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 3, देन वी विल मूव टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। नाउ आई कैन राइट 3 एज 2 + 1। अब 2 तो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता, सो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर ये होगा। अब मुझे दो साइड कौन सी चाहिए, एक स्क्वायर रूट ऑफ 2, एक 1। स्क्वायर रूट ऑफ 2 के लिए मैंने प्रीवियस में क्वेश्चन में ड्रॉ किया है, सेम उतना वही होगा, 0 से 1 2 एंड सो ऑन। 0 से 1 इसे दे दिया ए, 1 पे 90 डिग्री एंगल, 1 यूनिट की आर्क, लेट दिस पॉइंट एज बी, ज्वाइन ओ बी, इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2। नाउ मुझे क्या ड्रॉ करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो एक साइड चाहिए मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 2, दिस इज माय बेस। नाउ नाउ बी पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो यहाँ पे, सो दिस इज 90 डिग्री, एक साइड स्क्वायर रूट ऑफ 2, दूसरी क्या चाहिए, 1 यूनिट की। तो जितना ये डिस्टेंस है 0 to A 1 यूनिट का, इस पॉइंट पे रख के आपने 1 यूनिट की आर्क लगा दी, लेट इट बी सी। नाउ ज्वाइन ओ सी, ओ सी को ज्वाइन किया तो ये आपका होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ 3 कौन सी साइड है आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज बेस, परपेंडिकुलर इज 1, सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 2 + 1 3, सो
सो योर हाइपोटेन्यूज विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 3। नाउ अगेन वही स्टेप जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, ओसी को मेजर करो विद द हेल्प ऑफ कंपास। ऐसे मेजर किया, इतनी ही कंपास खुली है और आर्क को आप नीचे की तरफ ले आए नंबर लाइन पर। सो इसी आर्क को आपने लेके आए नंबर लाइन पे, जहां पे ये नंबर लाइन को टच हो रही है पी, इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 3। स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू होती है 1.732, सो अप्रोक्सीमेटली 1.7, तो 1 और 2 के मिडल में होगा 1.7, तो इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 3। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3। ओके, तो ओ सी, अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ये 1 यूनिट है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 3। नाउ ओ सी मेजर करो विद द हेल्प ऑफ कंपस और सी से ऐसे नीचे की तरफ आर्क ले आओ। जब ये नंबर लाइन पे टच होगी, लेट दिस पॉइंट एज पी एंड इट विल रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट ऑफ 3 ऑन द नंबर लाइन। स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू होती है 1.732, तो अगर दो डेसिमल तक देखें 1.7, तो 1 के बाद ही आएगा। सो दिस इज हाउ वी विल रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3। आई एम एक्सप्लेनिंग बोथ द क्वेश्चंस अगेन ताकि आप आगे वाले क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाओ। अब हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी थी। स्क्वायर रूट ऑफ 2 को आई कैन राइट एज 2 एज 1 + 1, सो स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर। तो नंबर लाइन पे मुझे पहला डिस्टेंस लेना है 1 यूनिट का, परपेंडिकुलर ड्रॉ 1 यूनिट का, सो इट विल रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट ऑफ 2। OB जितनी कंपस ओपन करो, O पे ही रख के B जब आपने मेजर किया उसी से आप नीचे की तरफ ले आओ, इट विल रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट ऑफ 2। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज, वी कैन राइट 3 एज 2 + 1, 2 तो किसी नंबर का स्क्वायर होता नहीं, सो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो 1 का हमें रिप्रेजेंट करना है अब स्क्वायर रूट ऑफ 3 नंबर लाइन पे। स्क्वायर रूट ऑफ 2 ड्रॉ किया, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, आफ्टर दैट 1 यूनिट कट करो, सो ओ को इससे मिला दो, इट विल रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब अगले पे चलते हैं। नाउ वी वांट टू रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट ऑफ 5। आई कैन राइट 5 एज 4 + 1। नाउ 4 मेरे पास 2 का स्क्वायर होता है और 1 तो 1 का स्क्वायर होता है, तो ये तो नंबर लाइन पे बनाना और भी इजी हो गया। एक नंबर मुझे 2 यूनिट चाहिए, एक 1 यूनिट चाहिए, तो 0 1 2। अब एक चाहिए 2 यूनिट, सो आई विल राइट 2 एज पॉइंट ए। 2 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, 0 से 1 यूनिट तक मेजर करो, यहाँ पे आग चाहिए 1 यूनिट की, क्योंकि दूसरा नंबर मुझे चाहिए 1, एक नंबर 2 एक 1, इसको नाम दे दो बी। नाउ ओ बी को ज्वाइन करो, इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 5। सो स्क्वायर रूट ऑफ 5, ओ से लेके बी तक कंपास की हेल्प से मेजर करो, बी से नीचे की तरफ आर्क ले आओ, पॉइंट पी, इट विल रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट ऑफ 5 ऑन द नंबर लाइन। तो इसी के जैसे मैं और क्वेश्चंस आपको दूंगी। स्क्वायर रूट ऑफ 2, 3 और 5 फाइंड किया है, सिमिलरली यू कैन फाइंड अनदर नंबर, आई विल शेयर क्वेश्चन, तो आप उसको करोगे। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके, दिस इज एक्टिविटी कि ऐसे आप जब स्क्वायर रूट ऑफ 2 ड्रॉ करोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 4 एंड सो ऑन, तो आपके पास एक स्पाइरल बन जाएगा। दिस इज एन एक्टिविटी, तो इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 1.2। सो दैट्स ऑल फॉर टूडे।